पोस्ट कोविड इस तरह का, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें तो मैंने शाहरुख खान की तरफ से कोई एफर्ट डालते हुए देखा ही नहीं, ना कोई एग्जैक्टली प्रमोशन, ना नथिंग, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं, एग्जैक्ट, ये किंग खान का बिना कोई पावर एफर्ट के है। ये हाल है। ना कपिल शर्मा में आया, ना बिग बॉस में आया, ना कोई इंटरव्यूज दिया, कुछ नहीं किया, बस ट्विटर पे आस्क एसआर के करके दुनिया हिला दिया। दिस इज द पावर ऑफ किंग, ये है किंग खान, ये है पावर शाहरुख खान का, जो बिना प्रमोशन के लोग मूवीज का कितना प्रमोशन करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इंटरव्यूज वगैरह वगैरह कितना कुछ करते हैं, तब भी मूवी डब्बा हो जाता है, और ये बंदा ट्विटर पे बैठ के राज किया है। और बहुत सारे थिएटर्स के मामले में बहुत सारे रिकॉर्ड्स इस मूवी ने कायम किए, जैसे कि तुमने लास्ट बताया था आई थिंक अपने रिव्यू में, तुम्हारे रिव्यू में देख रहा था कि 20-25 थिएटर्स बंद थे और बिकॉज ऑफ दिस मूवी उन थिएटर्स को खोलना पड़ा, खोला, जो थिएटर्स खोलना की पड़ा। ओपनिंग हुई खोला गया उस थिएटर्स की वजह से। अच्छा, जिन लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, इंडिया मोस्ट आइकॉनिक थिएटर गेटी गैलेक्सी इन मुंबई, जिसको टेम्पल ऑफ थिएटर्स बोला जाता है, जिसको उस पे आज तक कभी सुबह 9 बजे का शो नहीं लगा था। वहां पे शो हमेशा स्टार्ट होता है 12 बजे से, शो स्टार्ट होता है। मैटनी दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि वहां पे सुबह 9 बजे का शो रखा गया बिकॉज ऑफ पठान। एंड यू कैन गो आउट एंड चेक ऑन यूट्यूब कि क्या एटमोसफियर है वहां का। ऐसा कहा जाता है कि गेटी गैलेक्सी का रिव्यू अगर आ जाता है पॉजिटिव, तो आप समझ लो कि आपकी मूवी भी पॉजिटिव जाने वाली है। जो रिस्पॉन्स एग्जैक्ट है गेटी गैलेक्सी का, दैट इज अनरियल। सी गो एंड चेक ऑन यूट्यूब कि क्या चल रहा है वहां पे। मनोज देसाई जो उसके मालिक है वो खुद पागल हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है जैसे एग्जैक्टली। एसआरके मीडिया। और शोज इतना फुल जा रहा है, इतना भरा हुआ है शोज, कि अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्स्ट्रा शोज बनाना पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर तू बुक माई शो में जाएगा भी देखने के लिए, तो सिर्फ शोज को फिल करने के लिए और डे को फिल करने के लिए 11:59, रात के 11:59 का भी एक शो है, जो बेसिकली एग्जैक्टली मतलब करंट डेट में आ जाएगा, ना कि अगर वो 12 हुआ तो वो नेक्स्ट डे चला गया, लेकिन सेम डे में रखने के लिए 11:59 तक का भी शो है। तो शोज को और एक्स्ट्रा किया जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स पागल हो गए। तो ये सिर्फ किंग खान का कमबैक नहीं है, किंग खान ने रिवाइव किया है बॉलीवुड को, और ये पूरे बॉलीवुड को। पूरा इंडस्ट्री इस बात का गवाह है, और पूरा इंडस्ट्री ये बात बोल रहा है।